हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट प्रसी। लेट अस स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। व्हेन वाज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया 24 जनवरी को। हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर रिस्पेक्ट? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, हमारा सम्मान, ये कैंपेन किसने इनॉग्रेट किया? इनॉग्रेट किया गया है जगदीप धनखड़ के द्वारा। वॉट इज द हाइट ऑफ द आइडल ऑफ लॉर्ड राम इंस्टॉल्ड इन अयोध्या राम टेम्पल? अयोध्या राम टेम्पल जिसका अभी भी उद्घाटन हुआ, उसमें लॉर्ड राम की प्रतिमा की हाइट कितनी है? तो ये हाइट है 4.25 feet and 51 inches। ओके। रिसेंटली इन विच स्टेट डिड द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ खोदलधाम ट्रस्ट कैंसर हॉस्पिटल? खोदलधाम ट्रस्ट कैंसर हॉस्पिटल के लिए फाउंडेशन स्टोन किस यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने रखा? ये रखा गया है गुजरात में। वेयर वॉज द 14th ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉम्पिटिशन हेल्ड रिसेंटली? 14th ऑल इंडिया पुलिस कमांडो ये रिसेंटली हुआ विशाखापट्टनम में। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना ये रिलेटेड है रूफटॉप सोलर पैनल से, फ्रॉम रूफटॉप सोलर पैनल। वेयर वॉज 63rd सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड मीटिंग हेल्ड रिसेंटली? 63rd सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की मीटिंग रिसेंटली हुई भोपाल में। रिसेंटली ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश? ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है खंजर, इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुआ? हिमाचल प्रदेश में। ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुआ, हिमाचल प्रदेश में। रिसेंटली फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट कर्पूरी ठाकुर विल बी ऑनर्ड विथ भारत रत्न पोस्थमसली? पोस्थमसली मतलब मरणोपरांत इनको भारत रत्न अवार्ड दिया जा रहा है, ऑनर किया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर नाम है और ये किस स्टेट के सीएम रह चुके हैं? ये बिहार के सीएम रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर। पोली उमरीगर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? Who has been given the Pauli Umrigar Award 2023? Pauli Umrigar Award 2023 मिला है शुभमन गिल को। Which country has become the fourth largest equity market globally? विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार कौन सा देश बन गया है? ये हमारा देश भारत बन गया है। Recently, a free trade agreement has been concluded between India and which country? Free trade agreement FTA conclude हुआ India और किस country के बीच में recently? ये conclude हुआ India and Switzerland के बीच में। Where the world's largest statue of B.R. Ambedkar was established? विश्व की सबसे बड़ी बीआर अंबेडकर की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई है आंध्र प्रदेश में। वेयर हैज ममनी फूड फेस्टिवल बीन ऑर्गेनाइज रिसेंटली? ममनी फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ रिसेंटली में लद्दाख में, लद्दाख में ऑर्गेनाइज हुआ। वेयर हैज द इंडिया इजिप्ट ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज साइक्लोन स्टार्टेड रिसेंटली? एक्सरसाइज साइक्लोन स्टार्ट हुआ रिसेंटली अंसास में। अंसास है कहाँ? इजिप्ट में, इजिप्ट, इजिप्ट में है अंसास। और ये सेकेंड एडिशन हुआ है, फर्स्ट ये इजिप्ट में सेकेंड एडिशन हुआ है, फर्स्ट एडिशन अपने इंडिया में हुआ था।
Which medal has Ravi Dahiya won recently in the Grand Prix de France? रवि दहिया ने कौन सा मेडल वॉन किया ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस को? तो इन्होंने वॉन किया है ब्रॉन्ज मेडल. विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विथ अमेरिका टू बाई टोमहॉक मिसाइल? टोमहॉक मिसाइल को बाई करने के लिए इंडिया के अमेरिका के साथ एग्रीमेंट साइन किया है जापान ने. Who has recently won the India Open 2024 Women's Single Title in Badminton? India Open 2024 Women's Single Title in Badminton ये मिला है ताई जू यिंग को. Who will receive UP Gaurav Samman recently? UP Gaurav Samman ये न्यू नहीं नवीन है, नवीन तिवारी नाम है इनका. ओके, हु विल रिसीव यूपी गौरव सम्मान? गौरव सम्मान मिलेगा नवीन तिवारी और डॉक्टर रितु को. तो आंसर इज बोथ ऑफ द अबव. हु हैज अवार्डेड द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024 इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी? इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024 मिलेगा 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को मिलेगा. और अभी अभी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई गई थी 23 जनवरी को, और इसको कहा क्या जाता है पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.